मैंने और मेरे तीन दोस्तों ने मिलके ये इनिशिएट लिया था। हमने कराची में मेन तारिक रोड पे एक फैसिलिटी स्टार्ट करी है स्पोर्ट्स विंग के नाम से, जिसमें हम लोगों को इंडोर क्रिकेट और फुटसॉल ऑफर करते हैं। मेरे पास बेसिकली इस वक्त दो ग्राउंड हैं जिसमें सिक्स असाइड प्ले होता है। हम लोग का क्लब ऑपरेशनल वैसे तो 5 to 12 होता है और बाकी अकेडमी का जो हमारा टाइम है वो 4 to 6 है यहाँ पे। और मॉर्निंग स्लॉट्स हम लेते हैं, जो टीम्स हमने एडवांस बुकिंग्स लेती हैं और फिर वो सुबह आके अपने मैचेस खेलते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे फुटसॉल सिर्फ 6 a side ऑफर नहीं करते, हमारे पास यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं दो फील्ड्स हैं, तो हम हमारी जो नेट है बीच की ये सेपरेशन है, हम इस सेपरेशन को रिमूव करके यहाँ पे 9 a side भी फुटसॉल खिलाते हैं। कराची में इस वक्त अगर आप देख लें तो बहुत मुख्तसर से ग्राउंड हैं, जितनी पॉपुलेशन है खेलने वाली उसके रेशो के हिसाब से ग्राउंड बहुत कम है, और जितने भी हैं वो ज़्यादातर क्लिफ्टन साइड पे हैं, डिफेंस साइड पे। इस इलाके में जैसे मेन तारिक रोड हो गया, भादराबाद, मोहम्मद अली, इस एरियाज़ में ज़्यादातर ग्राउंड्स नहीं हैं और जो हैं वो बहुत छोटे हैं, जहाँ पे खेला भी नहीं जाता। बेसिकली जैसा आप भी जानते हैं मेन तारिक रोड पे इस वक्त जगह मिलना बहुत मुश्किल है, और ये है बेसिकली कमर्शियल प्लॉट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन तो काफ़ी सारे थे कि हम इस पर बिल्डिंग भी खोल सकते थे, बिल्डिंग भी बना सकते थे, लेकिन हमारा भी शौक़ पूरा नहीं होता और कम्युनिटी को भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इस इनिशिएटिव से हमारा ये है कि कम्युनिटी को भी बेनिफिट मिल रहा है, लोग स्पोर्ट्स की तरफ भी आ रहे हैं। जैसे कि हमने हमारा बेसिक मकसद यहाँ पे सिर्फ फुटसॉल नहीं था, रेंट चार्ज करना नहीं था लोगों से, हमारा था कि लोग अकेडमीज़ की तरफ आएँ, लोग ट्रेनिंग्स की तरफ आएँ, क्योंकि ज़्यादातर आप देख लें गली मोहल्लों में लोग खेलते आ रहे हैं, बच्चे फ़ोन्स में लगे हुए, तो इससे ये होगा कि बच्चे आएंगे। हम बहुत नॉमिनल सा चार्ज कर रहे हैं अकेडमी के हवाले से, तो हमारा यही है कि इस इलाके के लोगों को बेनिफिट हो। असल में जो यहाँ पे लोग खेलने जाते हैं डिफेंस वगैरह की साइड पे, वो क्लब्स हो गए 10-10 साल पुराने, उनकी टर्फ्स हो गई हैं अब नॉन प्लेएबल, उन पे सीमेंट नज़र आता है, तो उनकी कंडीशन जैसी है। इस वक्त जो हम लोग स्पोर्ट्स विंग कराची में तारिक रोड पे मेन ऑफर कर रहा है वो इस वक्त शहर की ऐसी टर्फ सिर्फ 2-3 क्लब्स में है। और अगर बात की जाए टर्फ की, तो लोगों का प्रस्पेक्टिव आता है कि लोगों को यहाँ पे कारपेट पे खिलाया जाता है और कहा जाता है कि ऑस्ट्रो टर्फ है। लोगों को अवेयरनेस के लिए मैं कहूँ तो ये है इनफिल वाली, इसमें बेसिक फीफा लेवल की इनफिल होती है, इसमें सैंड इनफिल होता है, फिर रबड़ ग्रैनुल्स डलते हैं, तो फिर ये प्रॉपर फुटसॉल टर्फ कहलाती है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि इससे इंजरीज़ नहीं होती। तो इस वक्त कराची में शायद ये हमारा तीसरा ग्राउंड होगा जो ये फैसिलिटी लोगों को ऑफ़र कर रहा है, और इस स्टैंडर्ड और इस क्वालिटी के साथ साथ साइज़ भी प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ हमारे पास टर्फ नहीं है, हमारे पास जो साइज़ है इस वक्त वो भी सेलेक्टेड शहर के शायद 2 फुटसॉल ग्राउंड्स का साइज़ है, और जो हम लोग इस पर चार्ज कर रहे हैं लोगों से वो भी कंपैरेटिवली डिफेंस वगैरह की साइड से बहुत कम है। पाकिस्तान में फुटसॉल का कल्चर बहुत डेवलप हो रहा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि हमने जब से स्टार्ट लिया हमें आइडिया हुआ है कि यहाँ पर किस लेवल का फुटबॉल हो रहा है, लोग किस तरह की टीमें आ रही हैं और किस तरह के मैचेज हमें देखने को मिल रहे हैं। इधर हमारा वो एम है स्पोर्ट्स विंग का कि हम यहाँ से वो टैलेंट निकालें जो बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें।